नमस्कार दोस्तों, आर्ट स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच हैदराबाद में बीफ का संग्राम छिड़ गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीफ बेचने वाली दुकान की शॉप पर जाकर जिंदाबाद का नारा लगाया। अब इस मामले पर हैदराबाद से उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पलटवार किया है। माधवी लता ने बोला कि ओवैसी कैसे बैरिस्टर बन गए। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में माधवी लता ने कहा, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ओवैसी बैरिस्टर कैसे बन गए। वे पर्सनल लॉ की बात करते हैं। पर्सनल लॉ के मुताबिक फतवा कुछ होता है जिसका पालन सभी को करना होता है। जब फतवा है तो बीफ नहीं खाना चाहिए, तो वह फतवे के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? इसका मतलब है कि वे अपने धर्म का भी सम्मान नहीं करते। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि क्या एक मुसलमान का जीवन ऐसा है कि ये बीफ काटने और खाने के इर्द गिर्द घूमता है? आप इस पर वोट मांग रहे हैं। वे मुसलमानों के जीवन को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं? उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और देश के लिए कुछ बनने की बात करनी चाहिए। बीफ काटने का क्या मतलब है? क्या उन्हें वोट मांगने के लिए कुछ और नहीं मिला? यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में ओवैसी एक दुकान के पास खड़े होकर दुकान का नाम पढ़ते हुए कहते हैं, रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। दोस्तों, इसके बाद वो ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि काटते रहो। इसी वीडियो के सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद वे लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। दोस्तों, ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी के राजनीतिक बयान हमेशा अशोभनीय होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। उनके छोटे भाई विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस तरह के अतिवादी बयान देने में माहिर है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।